आज हम बना रहे हैं इंडिया का स्ट्रीट फूड, बेस्ट स्ट्रीट फूड, बम्बैया पाव भाजी। हमने यहाँ पर एक लोहे की बड़ी सी कढ़ाई रखी है, उसमें हमने डाला है बहुत सारा ऑयल। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऑयल क्यों ले रही हूँ, चलिए हम आपको ये भी बताएंगे। पहले हम इसमें डाल देते हैं 1 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 2 तेज पत्ता और करी पत्ता। हमारे करी पत्ते, तेज पत्ता, अजवाइन, जीरा सब चटक चुके हैं, तो डालेंगे डायरेक्ट प्याज को हम अच्छे से मिक्स करते हुए हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। ये देखिए, देखिए हमारे प्याज कितने अच्छे से भुन रहे हैं। हमने यहाँ पे तेल का यूज इसलिए किया है, हम कुकिंग इसकी तेल में करेंगे और फ्लेवर हम इसमें मक्खन का देंगे। अक्सर हम मक्खन में बनाते हैं, लेकिन हमारे पास कभी इतना मक्खन अवेलेबल होता है नहीं होता, इसलिए हम आज कुकिंग तेल में कर रहे हैं और मक्खन से हम इसमें फ्लेवर देंगे। अब स्टेज पे हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च और अदरक। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। ये देखिए हमारा लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, अदरक कैसे खिलखिला के पक रहा है। हमें इन्हें हल्का ब्राउन होने, गोल्डन कलर होने तक का भूनना है। हमारे प्याज हल्के गोल्डन ब्राउन पक चुके हैं, अब हम इसमें बिल्कुल क्रश के हुए फूल गोभी डालेंगे। ये हमारी गोभी है पाव जी में, देखिए इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम डालेंगे टमाटर, इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये है भाजी। भाजी का मतलब हम इसमें अपनी मर्जी से कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, चाहे वो गाजर हो, आलू, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, कुछ भी डाल सकते हैं। इसमें कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अपनी मर्जी से अपनी मन पसंदीदा सब्जी डाल सकते हैं। हमारी सब्जियाँ बहुत ही अच्छे से कुक हो रही है। भाजी हमारी जितनी ज़्यादा हम कुक करेंगे उतनी ही स्वादिष्ट बनकर के तैयार होगी। हमने यहाँ प्याज को 5 मिनट पकाया था, उसके बाद हमने गोभी मटर डालकर 4 से 5 मिनट फिर पका लिया। अब हम इसमें डालते हैं बिल्कुल बारीक कटा हुआ टमाटर, लाइक द टमाटो प्योरे। अब हम हमारे टमाटर को भी बाकी के सब्जियों के साथ मिक्स कर लेते हैं। हमने यहाँ 5 से 6 टमाटर क्रश करके डाले हैं। टमाटर डाला है इसका मतलब यहाँ नमक डालना तो ज़रूरी है। 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इसमें हम अब डालेंगे हमारा होममेड पाव भाजी मसाला। हम यहाँ 2 चम्मच पाव भाजी मसाला भर के डालेंगे। आप मार्केट का पाव भाजी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करके लो मीडियम फ्लेम पे 5 से 10 मिनट पका लेंगे। देखिए हमने इसको अच्छे से वेल मिक्स कर लिया है, अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमारी सब्जियां मसाले के साथ कितनी अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड मैश्ड आलू, करेंगे अच्छे से मिक्स। आलू को किया है अच्छे से मिक्स। हमने यहाँ लिया एक पोटैटो मैशर, एक पोटैटो मैशर की हेल्प से हम इसको बिल्कुल रगड़ा बोलते हैं ना, वैसे इसको बना लेंगे बिल्कुल भाजी का लुक देने के लिए। ये देखिए हम ऐसे इसको एकदम से मैश करके भाजी की लुकिंग दे देंगे। हमारी भाजी अच्छे से मैश करने के बाद हम इसमें डालेंगे अब 1/2 ग्लास पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको 5 से 7 मिनट और अच्छे से ढक करके स्लो फ्लेम पे पका लेंगे।
भाजी को कवर करने से पहले हम इसमें डालेंगे फ्लेवर देने के लिए फ्लेवरफुल बटर 2 टेबलस्पून भर के। ये गया पहला। दूसरा इसको हम बटर डाल के अच्छे से पका लेंगे। इसको अब हम कवर करके 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह स्लो फ्लेम पे पका लेंगे। भाजी बन के तैयार है। अब हम इसमें आधा नींबू डालेंगे। हमने भाजी को तवे पे ट्रांसफ़र कर लिया है। अब भाजी के साथ ही हम पाव सेक लेंगे। हमारी भाजी को हम मिक्स करके तवे के साइड में लगा देंगे। भाजी साइड कर ली है। अब हम इस पर डालेंगे बटर और सेकेंगे हम हमारे पाव। ये देखिए ऐसे हमारे पाव को सेक लेंगे। भाजी वाले तवे पे ही पाव सेकने से ये होगा, हमारे पाव में भाजी का फ्लेवर आ जाएगा और बहुत ही क्रंची हमारी पाव सिक करके तैयार होगी। ये देखिए हमारी पाव भाजी बन करके तैयार है।